नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा में आज से इतिहास का सिलेबस बदल गया है। हरियाणा में अब स्कूली बच्चे महात्मा गांधी के साथ साथ वीर सावरकर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसकी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में छठी से दसवीं तक के इतिहास की किताबों के सिलेबस में बदलाव किया गया है। इसके लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज नई किताबें भी लॉन्च की। नए पाठ्यक्रम में विदेशी आक्रमण के बारे में एक पेज दिया गया है, जबकि महापुरुषों के बारे में एक पहरे की जगह एक पेज का स्थान दिया गया है। देखिए, एक शॉर्ट पीरियड ही ज्यादातर इतिहास का दिखाया जाता था, तो हमने उसको वैदिक काल से लेके और जो अब तक का इतिहास है उसका हमने प्रयास किया है कि वो सारा का सारे की जानकारी बच्चों को दी जाए। और उसका मैंने आपको भी सारा का सारा डिटेल में दे भी दिया है कि किस किस क्लास में कौन कौन सा इतिहास हम पढ़ाया जाएगा, तो उसकी पूरी जानकारी देने का हमने प्रयास किया। और वही सोहना के गांव दमदमा में सोमवार से चल रहे स्कूली बच्चों के विवाद को खत्म कराने के लिए शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद सोहना खंड शिक्षा अधिकारी कई स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचरों के साथ दमदमा गांव में पहुंचे, जहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने धरने पर बैठे स्कूली बच्चों के साथ बातचीत कर ग्रामीणों के साथ शहीद राज सिंह सरकारी स्कूल में एक बैठक का आयोजन किया। जिस बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के अभिभावकों से आग्रह करते हुए बच्चों को स्कूल भेजने का अनुरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि अभयपुर गांव के स्कूल में दमदमा गांव के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन काफी देर तक चली बैठक में कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद ग्रामीणों ने कहा कि शनिवार को वह पूरे गांव की एक पंचायत करेंगे जिसमें बच्चों के अभिभावक और ग्रामीण मौजूद रहेंगे। पंचायत में सभी ग्रामीणों की राय के बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा। अधिकारी आज 3-4 दिन बीतने के बाद आए हैं कि भाई स्कूल में बच्चों को भेजो, तो उस बात पे बातचीत हुई है गहनता से। अब हम कल एक गाँव की पंचायत करने जा रहे हैं जिसमें पेरेंट्सों को और बच्चों को सबको अच्छे तरीका से पूछ के ना उनके बाद भी स्कूल में कौन से में वो बच्चे पढ़ना चाहेंगे उनका वहाँ भेजा जाएगा। पढ़ाने तो बच्चे हैं ही, लेकिन हमारी जो मांग है उसको भी हम मांगते रहेंगे निरंतर, हमारा स्कूल अपग्रेड तो किया जाए जिससे हमारे जो बच्चों की रोज आए दिन लड़ाई झगड़े कहीं बाहर जाने से वो ना हो, गांव में शांति, आसपास में समाज में हमारा भाईचारा बना रहे। हमारी सरकार से गुजारिश भी है कि हमारे स्कूल को 12वीं तक कर दे ताकि हमारे आसपास के गाँव से भाईचारा बना रहे, झगड़े ना हो, फसाद ना हो। और वहीं हरियाणा सरकार खुले दिल से अच्छी नीतियां बनाकर सहयोग करने के लिए तैयार है। ये बातें चंडीगढ़ में आयोजित एक सेमिनार के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कही। दरअसल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एग्रोकेमिकल का क्या रोल है, इसे लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान जेपी दलाल ने कहा कि जो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लोग सही रेट पर सही प्रोडक्ट्स को किसानों तक पहुंचाएंगे उनके लिए सरकार किसी भी तरह की पॉलिसी बनाकर उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इस दौरान कृषि मंत्री ने SYL मामले को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। दिल्ली सरकार की एक आदत है कि पब्लिसिटी के लिए काम करे, धरातल पे काम ना करे। जब दिल्ली में पॉल्यूशन होता है तो हरियाणा पंजाब को ब्लेम कर देते हैं, किसानों को गाली देते हैं। जब दिल्ली में कोरोना आया, गैस ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा ली, लेकिन फिर भी बदनाम करते रहे। अब जो है पानी का मुद्दा, जो हरियाणा को पंजाब से, पंजाब में सोर्स है पानी का, हरियाणा में कोई नहीं है, वो हमें दे नहीं रहे, SYL का पानी दे नहीं रहे। और हरियाणा के पास तो अपना पानी है ही नहीं, हरियाणा तो ऑलरेडी अपने हक का पानी भी दिल्ली को दे रहा है, लेकिन इनका काम पब्लिसिटी मीडिया में रहना है। और वहीं हरियाणा में गेहूं की खरीद का सीजन लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन मंडियों में सरकारी खरीद का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मंडियों में आवक की कमी को देखते हुए सरकार ने अपने टारगेट को लगभग 50% तक कम कर दिया है। इसके बावजूद भी सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे में सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए।
मेहनत वसूल हो जाती है। गेहूं की फसल इस बार एमएसपी से ज्यादा दाम पर बिकी है। गेहूं के लिए मिल रही कीमत से किसान खुश है, लेकिन ये खुशी अधूरी है। मुनाफे की इस लिस्ट में कुछ ऐसी खामियां और मजबूरियां शामिल हैं जो आने वाले वक्त में परेशान कर सकती हैं। गेहूं की कम पैदावार। हरियाणा में 22.9 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई हुई, 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक का अनुमान था। बेमौसमी बारिश और गर्मी के चलते कम रही पैदावार। दाना सिकुड़ने से एक एकड़ में 5 क्विंटल तक कम उत्पादन हुआ। किसान को प्रति एकड़ 10 से 15 हजार का नुकसान। पिछले साल के मुकाबले प्रदेश में कम क्षेत्र में बिजाई हुई। कम पैदावार के चलते गेहूं की प्राइवेट खरीद की कीमतों में उछाल आया है। वहीं मंडियों की सरकारी खरीद में करीब 50% की गिरावट आई। किसान बेहतर कीमतों की आस में या तो फसलों को निजी कंपनियों को बेच रहे हैं या फिर फसलों को स्टॉक किया जा रहा है। ऐसे में सरकार के लिए खरीद के लक्ष्य को पूरा कर पाना मुश्किल हो गया है। पहले प्रदेश में सरकार खरीद का टारगेट जहां 85 मीट्रिक टन था, वहीं अब सरकार ने इसे घटाकर 43 मीट्रिक टन कर दिया है। लक्ष्य में 1% की गिरावट के बाद भी सरकार की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। टारगेट अभी अधूरा है। गेहूं की सरकारी खरीद में 50% की गिरावट। गेहूं खरीद के लक्ष्य को पूरा करने में कठिनाई। कम आवक से प्रभावित होगा गेहूं का निर्यात। गेहूं से होने वाले राजस्व में आएगी गिरावट। राशन से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं पर होगा असर। लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने में हो सकती है परेशानी। किसानों को हो रहे मुनाफे को लेकर कृषि मंत्री ने खुशी जाहिर की है, लेकिन लालच के चलते बाजार शुल्क की चोरी करने वालों पर विभाग शिकंजा कस रहा है। साथ ही उपज में गिरावट का पता लगाने की प्रक्रिया जारी है। केंद्र की टीमें भी प्रदेश में पहुंचकर खराबी का जायजा ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और वहीं फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो हजारों लोगों से साइबर ठगी को अंजाम दे चुका है। इस गिरोह ने पूरे देश के लोगों को अपना शिकार बनाया है और उनसे 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के साइबर ठगी को अंजाम दिया है। वहीं पकड़े गए 8 आरोपियों में 2 नाइजीरियन भी शामिल है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की है। देखिए, हमारे साइबर पुलिस स्टेशन ने बहुत ही बढ़िया काम करते हुए एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कि जिनका तरीका ये था कि वो फेसबुक के माध्यम से लोगों को अपना टारगेट बनाते थे और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको ये बोला जाता था कि आपको फॉरेन से एक इम्पोर्टेड गिफ्ट आ रहा है जो कि जनरली ब्रिटिश पाउंड होता था, और उसको रिलीज कराने के लिए कस्टम्स में आपको 7 से 8 लाख रुपये जमा करने पड़ेंगे, और इस तरीके से वो अपना फ्रॉड करते थे। एंड इसमें हमने टोटल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और काफ़ी सारी इसमें सिम्स अकाउंट नंबर, ATMs काफ़ी सारे हमने सीज करे हैं। और इसमें टोटल जो 8 क्रिमिनल्स अरेस्ट करे हैं, उनमें से 2 नाइजीरिया के हैं, 1 घाना के हैं, जिनका फर्दर इंटरोगेशन पे ये भी पता चला था कि उन लोगों ने जो अपना वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स थे उनके, वो भी फर्जी थे। तो इस तरीके से हमारी टीम ने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना इस केस में लगाया और बहुत ही बढ़िया। क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए बिश्नोई के शार्प शूटर संजीव उर्फ संजू समेत 3 शूटरों को गिरफ्तार किया है। देर रात जारी छापेमारी में श्री गंगानगर के रहने वाले शूटर संजीव को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। वहीं 2 अन्य शूटर्स को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये गुर्गे गुरुग्राम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। उससे पहले ही पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस दौरान पुलिस ने इन आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद किया। से ये पता चला है कि ये गोल्डी ब्राड लॉरेंस बिश्नोई व रोहित फोर्ड बदमाश हैं, उनके गुर्गों के रूप में काम करते हैं, और इनको यहाँ पे गुड़गांव में फायरिंग इंसिडेंट की कोई जिम्मेदारी दी गई थी और उसके संबंध में ये हथियार लेके आए थे गुड़गांव में,
और इनको वारदात करनी थी, उससे पहले ही हमने इनको अरेस्ट कर लिया और आगे की इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके और साथियों के बारे में इसमें पूरी डिटेल से पता किया जा रहा है, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। और वही रादौर में बिना नंबर बाइक सवार दो युवकों का पीछा कर रही पुलिस टीम पर बाइक सवार युवक ने गोली चलाकर मौके से फरार हो गए। वही इस दौरान गोली और गाड़ी में बैठे एसआई सतीश कंबोज को लगी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें यमुनानगर रेफर किया गया है। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पाल, डीएसपी रादौर रजत गुलिया के अलावा सीआईए वन इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार और सीआईए टू से राकेश कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। घटना के बाद फरार हमलावरों की तलाश में पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी भी लगा दी है। पे थी तो नजदीक पुराना बस स्टैंड उन्हें दो सस्पेक्टेड युवक मिल लगे, इनके जिन्होंने मुंह पे परना लपेटा हुआ था और बाइक पे नंबर प्लेट भी नहीं थी, काले रंग की स्प्लेंडर थी। उन्होंने रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने बाइक वहाँ से भगा ली और वो फिर बाजार से होते हुए रादौरी रोड की तरफ दौड़े। तो जब उनको रोकने की दोबारा कोशिश रादौरी रोड पर करी गई तो उन्होंने फायर कर दिया, जिसमें हमारे एक मुलाजिम को गोली लगी है जो अभी फिलहाल गाभा हॉस्पिटल यमुनानगर में एडमिट है। और वहीं रादौर के गुमथला राव गांव के हरजन बस्ती में उस समय हड़कंप मच गया जब घरों में अचानक बिजली का करंट आने के कारण घरों के बाहर लगे बिजली के मीटरों में आग लग गई। वहीं करंट की चपेट में आने से दो महिलाएं भी घायल हो गई और दो भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मीटरों में करीब 15 मिनट तक आग लगी। वहीं उन्होंने बताया कि कल भी गांव के पंचायत घर में शॉर्ट सर्किट की घटना हुई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने निगम कर्मचारियों को दी थी, लेकिन इस शिकायत पर संज्ञान ना लिए जाने के कारण ये घटना हो गई। वहीं उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर पर बिजली काटने के लिए मेन स्विच भी नहीं लगा था। पंद्रह मिनट आग चली और 15 मिनट के बाद सारी कॉलोनी में करंट फैल गया। करंट के कारण धरती में भी करंट आ गया, मीटरों में भी आग लग गई, किसी का बैटरा फूक गया, किसी का इन्वर्टर फूक गया, किसी का फ्रिज फूक गया, बहुत नुकसान हुआ मोटा। दो लेडीज का करंट लग गया, एक तो जारी अस्पताल में दाखिल है और एक दो में सब जड़ी जी, हाँ जी तुरंत मर गया। बिजली विभाग की इसमें मेन स्विच नहीं लगा जी। और वहीं हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर नेशनल स्तर तक हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं और इसी को देखते हुए सोनीपत के गांव पिनाना के रहने वाले अंकित मलिक ने कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुई विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता में प्रदेश का डंका बजा दिया है। बता दें कि अंकित ने 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। हालांकि अंकित को मलाल है कि अभी तक सरकार की तरफ से उनको कोई भी सहायता प्रदान नहीं की है। ये बेंगलोर देखे लो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे, वहाँ पे फर्स्ट रैंक प्राप्त किया, तीन मिनट 53 सेकंड में फर्स्ट लगाई थी मैंने। आगे क्या सोचा? आगे सीनियर में खेलने कंपटीशन एशिया के लिए क्वालिफाई करेंगे, ये टारगेट है। बेंगलोर में किस देश के सभी खिलाड़ी पहुंचे थे? हाँ पूरे देश के खिलाड़ी, सभी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी थे। कौन सा स्थान आपने फर्स्ट फर्स्ट कब से खेलने लगे थे आप, कब कहाँ से सीख मिली थी आपको? गांव में प्रैक्टिस करते थे, पहले आर्मी की तैयारी करते थे, फिर कोसा के पास कोसा ने फिर गेम की तैयारी करवाई थी। आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरी तरफ? हाँ तो फिर कोसा ने गेम की तैयारी, इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे बेंगलोर में और 1500 मीटर रेस में अंकित मलिक ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, 3:53 का समय निकाल कर। कितने दिन प्रतियोगिता चली, कहाँ कहाँ? प्रतियोगिता 4 दिन की थी और जितने भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी उनके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे। कितने खिलाड़ी सारी आदेश इसमें जो इंटरनेशनल बेस्ट एट कोच सन थे वे अच्छे बेस्ट एट के खिलाड़ी थे, सभी पूरे देश के खिलाड़ी वहाँ पहुँचे थे। हाँ जी पूरे देश के खिलाड़ी थे वहाँ। अंकित ने कौन सा अंकित ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वहाँ बेंगलुरु में। कितनी खुशी है जब आपके अच्छी खुशी हुई, हमारे 4 स्टूडेंट है, 4 के गोल्ड मेडल है वहाँ पे। और वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हरियाणा पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। शहरों में जगह जगह पुलिस ने नाके लगाकर उन लोगों के चालान काटे
जो बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे थे। मास्क ना लगाने वाले लोगों का 500 रुपए का चालान काटा जा रहा है। ये तस्वीरें बल्लभगढ़ में नेशनल हाईवे पर बस स्टैंड के पास की है, जहां भारी मात्रा में सड़क पर खड़े पुलिसकर्मी ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जिन्होंने मुंह पर मास्क नहीं लगाया हुआ है। हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर उमेश कौशिक की माने तो उनका मकसद चालान काटने का नहीं है, बल्कि लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए जागरूक करने का है। हम लोगों को समझा भी रहे हैं, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं 100 से 50 रोज, और 10 से 20 हम रोज लोगों को चालान भी कर रहे हैं, और लोग धीरे धीरे समझ भी रहे हैं। एक एवरेज की बात की जाए, औसतन कितने चालान काट देते हैं आप? रोज 10 से और 15 के बीच में रोज काट देते हैं। बाकी लोगों को समझाते हैं? बाकी समझाते हैं और मास्क भी देते हैं हम उनको। क्या लोग जागरूक हो रहे हैं? हाँ, जागरूक हो रहे हैं फिलहाल। लोगों को पता कम है कि भाई दोबारा से ये मास्क लगाना जरूरी हो गया है, लोगों को पता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे लोगों को समझा रहे हैं। और वहीं हरियाणा बिजली वितरण निगम सांपला सब डिवीजन के कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ 2 घंटे की हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल के दौरान उन्होंने एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाए कि एसडीओ कर्मचारियों को प्रताड़ित करता है और जो मांगे कर्मचारियों की तरफ से रखी जा रही है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं हुआ तो किसी बड़े आंदोलन की जिम्मेदारी एसडीओ की होगी। हमने एसडीओ शापला को एजेंडा दिया था 23 मांग सूत्री का, उसको कम से कम 2 महीने हो गए, ना तो इन्होंने कोई मीटिंग बुलानी उचित समझी और हर कर्मचारी का शोषण किया है। एक रोध मामला हुआ था जिसमें एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें हमारे 3-4 साथियों के नाम हैं, जो हमने एक्शन में भी कही है बार बार कहने से। एसडीओ शापला ने आज तक जो जिसके कारण यह हादसा हुआ था उसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है। हम चाहते हैं जो रोड में जिसने मेंड बनाई थी जिससे वो हादसा हुआ था, उस लड़के का हाथ कट गया था, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर 2 महीने से शापला एसडीओ कोई भी कार्रवाई नहीं करी। तो मैंने इनकी मांगों पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और इनको मांग पत्र का जवाब भी दिया है। ठीक है, जो ये यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये मांग पत्र का इनको जवाब दिया हुआ है। एक इनका सबसे मेन मुद्दा जो है वो रोहत गांव में कोई इंसिडेंट हादसा हुआ था उसको लेकर के ये ज्यादा एग्रेसिव। रोहत गांव में जो हादसा हुआ था वो 2019 में हादसा हुआ था जी, जिसके खिलाफ इन लोगों ने उस वक्त अगर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर दी होती तो ये जल्दी मामला दर्ज हो जाता। अब मैंने पुलिस अथॉरिटी से बात की है, SHO से मैं खुद पर्सनली मिलने गया हूँ बहादुरगढ़ में, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि मामला कोर्ट में गया हुआ है, उन्होंने चालान पेश किया हुआ है इसमें और वो उसमें जो भी इनको फैक्ट सबमिट करने हैं वो कोर्ट में सबमिट करेंगे। और वहीं चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग ने खान पान और मिठाइयों की दुकानों पर छापा मारा है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम के साथ मिलकर कई दुकानों से सैंपल लिए। पुरानी सब्जी मंडी, मेन मार्केट, गांधीनगर समेत कई इलाकों में दुकानों से खाने पीने की चीजों और मिठाइयों के सैंपल लिए गए। खाद्य आपूर्ति विभाग अधिकारी फ्लाइंग ने बताया कि दादरी शहर में समय समय पर छापे मारकर मिलावटी सामान बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में यहां पर भी छापे मारे गए हैं, सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और अगर मिलावट पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सीएम फ्लाइंग स्क्वाड व खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने जो है ओल्ड सब्जी मंडी में खाद्य प्रतिष्ठान पर जो है रेड की है और खाद्य सामग्री के 5 सैंपल ले लिए गए हैं, वे जांच के लैब में भेज रहे हैं, वे कार्रवाई आगे भी जारी है। किन चीजों के सैंपल लिए गए? ये दूध के, गुलाब जामुन के, कुछ मसालों के, कुछ बटर के, घी के, इस तरीके के सैंपल लिए गए हैं, लैब में भेज दिए जाएंगे जी, और 14-15 दिन के अंदर लैब से रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के अनुसार कोई अनियमितता पाई गई तो आगामी कार्रवाई की जाएगी।